I am Spider-Man. तो सालों हम कौन है? I'm Spider-Man. सालों मजाक बना के रखते हो। स्पाइडरमैन कौन है असली स्पाइडरमैन? तो जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे पास स्पाइडरमैन सिर्फ एक हुआ करता था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, लेकिन ना तो हमारे पास सोशल मीडिया पे प्ले स्टोर पे स्पाइडरमैन इतने सारे हो चुके हैं, इतनी वैरायटीज हैं, किसी ने सोची नहीं होगी। लेकिन अपने को क्या है, इनकी तादाद चाहे करोड़ों में पहुंच जाए, अपने को तो सिर्फ कंटेंट बनाना है। इसलिए भाई आज मैं तुमको कुछ ऐसे स्पाइडरमैन दिखाऊंगा जो कि तुमने कभी देखे ना होंगे। जो भी कह रहे हो भाई सब स्पाइडरमैन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक के ऊपर फेंक दीजिए जाला और सब्सक्राइब को तोड़ दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। गाइस आप स्पाइडरमैन को तो जानते ही होंगे, आपको लगता होगा कि स्पाइडरमैन के पास नैनो टेक्नोलॉजी है, ये कितना हाई टेक है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, लेकिन ये स्पाइडरमैन तो हमारे स्पाइडरमैन के सामने पानी कम चाय है। मेरे भाई डरते क्यों हो, ये इसकी मशीन गन है जो आयरन मैन ने इसको दी थी, वो नैनो वाला तो बाद में गया था जो सूट ले आया, पहले तो मशीन गन मिली थी उसको, मिली नहीं इसको दे दी जी, इसलिए ये इतना ओपी है। लेकिन अब इसकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। शक्ति नंबर एक, ये स्पाइडरमैन थैनोस की तरह चुटकी से तो नहीं लेकिन एक मुक्के से पूरी धरती हिला सकता है। कैसा? शक्ति नंबर दो, मिल्खा सिंह की तरह दौड़ते दौड़ते रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर सकता है। इनको मारो गोली या चार्ली जोर बुला सकता है, मॉन्स्टर ट्रक में बदल सकता है, सुपरमैन वाली लेजर मार सकता है, रॉकेट छोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक काम है जो ये नहीं कर सकता, क्या बोले भाई? स्पाइडरमैन होते हुए जाला ही नहीं फेंक सकता। फेंकता है लेकिन एंकर फेंकता है, वो जो समुद्री एंकर होता है वो फेंकता है, वो अच्छे से चिपकता नहीं और बार बार हमारा स्पाइडरमैन नीचे नीचे नीचे, लेकिन कभी कभार चिपक जाता है, चलो लेकिन जो भी है। अब गाइस मेरे ख्याल से तो इसको स्पाइडरमैन कहना पाप होगा, ये स्पाइडरमैन तो नहीं हो सकता, ये कोई और ही सुपर हीरो है, तो आप इसको कौन सा मैन कहेंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस मिशन को पूरा करने के लिए दुश्मनों को खोजें और नष्ट करें। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये स्पाइडरमैन प्लेन से क्यों उतरा, तो बात ऐसी है कि स्पाइडरमैन को पबजी बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये पबजी मोबाइल के स्टाइल में उतरता है, और बाकी ये मोहतरमा इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब गाइस इस एवरग्रीन स्पाइडरमैन की बात की जाए तो इस स्पाइडरमैन में भी वही शक्तियां हैं जो कि रोहित में थी, मेरा मतलब कि पिछले स्पाइडरमैन में थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या क्रिश फोर थोड़ी ना बन रही है। हाँ तो जैसा कि मैंने कहा कि सारी की सारी शक्तियां सेम है जैसे कि पिछले स्पाइडरमैन में, मेरा मतलब कि एंकर फेंकता है और वही मुक्का मारता है और वही मिल्खा सिंह की तरह भागता है, लेकिन एक शक्ति स्पेशल है। मौसी ने बताया पूजा सिंह से घर बना लो, उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा। 12 seconds later पूजा सिंह से घर बना लो। सो वंस अपॉन अ टाइम पीके के वापस जाने के बाद हमारे देश के अंदर पोर्टल से एक होस्ट स्पेसशिप अंदर आ गई, जिसमें से एक हरे रंग का वेजिटेरियन आदमी बाहर निकला और उसके हाथ में ग्रेनेड था, जिसकी पिन उसने 30 साल पहले खींच दी थी, अब उसका फटने का टाइम आ गया, तो उसने बैंक के ऊपर फेंक दी। पता नहीं ये कैसा मसाला था, ये बैंक को तो कुछ कर ना पाया, बस बाहर ही फुटफुट फुटफुट करता रहा। लेकिन इस फुटफुट फुटफुट का एक फायदा हुआ कि इसने हमारे स्पाइडरमैन को जगा दिया। भागता हुआ स्पाइडरमैन भागता हुआ आया, फेकुचन वाली स्लाइड लगाई, लेकिन अंततः उसने ड्रॉप किक से ही वेजिटेरियन को मारा, क्योंकि यार हमारा स्पाइडरमैन फिन बैलर का बहुत बड़ा फैन है। अपनी छाती का दर्द हमारा वेजिटेरियन नहीं सह पाया और भागते भागते वो अपनी स्पेसशिप पे पहुंचा और निकल गया। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही देखा, ये वही स्पाइडरमैन है जो कि स्टोरी में विलन्स को मार रहा था, लेकिन असलियत कुछ और है। ये बोले भाई? सुनो बात ऐसी है कि ये रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा गुंडा है और इसको ये प्रेरणा GTA 5 से मिली। GTA 5 बहुत ही ज्यादा खेला करता था, अंधाधुंध खेला करता था, मतलब सुबह को देखो, शाम को देखो, रात को देखो, अगली सुबह को देखो, अगली शाम को देखो, अगली रात को देखो, हमेशा GTA 5 के पीछे लगा रहता था। तो बस अंत था होना क्या था, बिगड़ गया, रियल लाइफ में भी गुंडागर्दी करनी स्टार्ट कर दी, एक दो बार तो जेल भी हो आया है। इंटरव्यू दिखा दो इसका। सो गया बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ, बस डॉन बनना मुझे, सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी। तो देखा आपने बच्चों, ये कितना अच्छा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब गंदा बच्चा हो गया, लेकिन आपको गंदा बच्चा नहीं बनना, इसलिए जो भी काम करना लिमिट में करना। अच्छा।
जय हिंद दोस्तों। नमस्ते जी। मित्रों, स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन देने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि स्पाइडरमैन को पहली बार देखने के बाद आपको सबसे पहले क्या याद आया, पावर रेंजर या फिर कोई कीड़ा? जी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। गाइस, मैंने अब तक आपको जितने भी स्पाइडरमैन बताए, ये स्पाइडरमैन उन सब में से बहुत ही ज्यादा अलग है। मेरा मतलब कि ये जाला नहीं फेंकता, ये जाले की जगह पूरा का पूरा मकड़ी ही फेंक देता है। क्या बात है। जेब में से मिसाइल निकाल के लॉन्च कर देता है, ईची पाका मार देता है फ्यूचर ट्रंस की। और भाई, एक तो बहुत ही कमाल की चीज है कि रॉकेट लगाया है इसने अपनी बेल्ट पे, ऊपर नीचे बस वही होता है, आगे पीछे नहीं होता। और सॉरी यार, मिस्टेक हो गया, बेल्ट तो उसने लगाई नहीं, चट्टी में लगाया है। हाँ चलो, वो तो उसकी जली, लेकिन यार इसके पीछे की नहीं जली। अब गाइस, इस स्पाइडरमैन के बारे में मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को तो रोना आ रहा है। मतलब यार ये स्पाइडरमैन इतना गरीब है कि यार इसके पास कोई पावर ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। स्पाइडरमैन के पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो ये क्या करता है? यही सवाल है ना आपका। तो मेरी बात सुनो यार, ये पता क्या करता है, ये ना तड़पते लोगों को, मरते हुए लोगों को बचा के एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल ले जाता है। What? क्योंकि इस शहर की एम्बुलेंस तड़पते लोगों को हॉस्पिटल तो क्या लेके जाना, उनकी तरफ देखती भी नहीं है। हाँ यार, लानत तो है, लेकिन यार यही बात हमारे स्पाइडरमैन के दिल को लग गई। उसने कहा कि यार भाड़ में गया स्पाइडरमैन, मैं तो एम्बुलेंस चला के देशभक्ति करूंगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे। अरे काहे का तेजस्वी, डूबड़ा। अरे उन हॉस्पिटल वालों को जाके ठोकता पहले। यार इसके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई मैं उनको जाके बताऊं कि यार तुम एम्बुलेंस क्यों नहीं लेके आते, मैं चला लूंगा। यार अब कमेंट सेक्शन में मेरे से गेम्स के नाम मत पूछना यार, ये गेम जस्ट तुम्हें हंसाने के लिए है। क्या यार तुम इनके पीछे टाइम वेस्ट करते हो, कुछ अच्छा करो यार जिंदगी में, कुछ अच्छा करो लाइफ में। हाँ यार कुछ अच्छा करो, जैसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और एक अच्छा सा कमेंट करो कि वीडियो में क्या अच्छा लगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।